का एब्रोगेशन था, वो भी महीना अगस्त का था, ये भी महीना अगस्त का है, जब ऐलान हो रहा है कि 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा खत्म होने के साथ ही इलेक्शन वगैरह की जो तैयारियां हैं वो शुरू होंगी। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो ये कि उसी तरह का एक माहौल एक दिन पहले पैदा किया गया जिसमें ट्रांसफर्स होलसेल में की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और सिक्योरिटी फोर्सेस में जो पुलिस का है, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक जगह उठा के या एक जगह से उठा के उनको दूसरी जगह भेजा गया। ये भी एक ऐसी अजीब सी बात है जिससे यही अंदाजा अखज किया जा सकता है कि इलेक्शन का ऐलान करने से पहले ही तैयारियां मुआफिक मीन्स अंग्रेजी में बोलते हैं कंड्यूसिव टू द एस्टैब्लिशमेंट, कि उस तरह की लोग यही कह रहे हैं, इल्जाम यही लगाया जा रहा है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये बिल्कुल उसी तर्ज पे की गई हैं जिस तर्ज पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था जो बाद में कंड्यूसिव साबित हो गया दफा 370 को खत्म करने के लिए। और इससे आगे अगर आप इलेक्शन की बात करें तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से यही कहूंगा जो हमारी एज अ जर्नलिस्ट हमारी नजर है जमीनी सतह पे, तो उससे यही अखज किया जा सकता है कि लोगों के लिए इलेक्शन शायद कोई मानी नहीं रखता है। लोगों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज वो समझते हैं कि वो स्टेटहुड का वापस आना है। तो इस वक्त इलेक्शन तो इससे पहले भी हुए, आपने कहा कि 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, 2020 में इलेक्शन हुए, लोगों में उसमें भी शमूलियत की, जो लोकल बॉडीज के लिए और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के बाय इलेक्शंस थे उसमें भी लोग निकल गए, इस इलेक्शन में भी निकलेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी जिसने 370 की बुनियाद पे मेनलैंड इंडिया में एक माहौल कायम किया अपने मुआफिक। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, कहा जाता है कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत खुश हैं और लोग इस चीज का बहुत खैर मकदम करते हैं, तो फिर वहां पे उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया पार्लियामेंट इलेक्शन में, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल जाहिर करती है कि लोकल सिकंदर क्या है बीजेपी का कश्मीर डिवीजन में। और जहां तक होलिस्टिक आप व्यू ले लें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इलेक्शन तो एक नॉर्मल सी चीज है, आप चाहे पंचायती इलेक्शन कराएं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराएं, असेंबली के इलेक्शन कराएं, पार्लियामेंट के इलेक्शन कराएं, सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों को बहुत जरूरी और बहुत वेरी क्लोज टू द हार्ट है, दैट इज द यू नो ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। तो ये सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या सोच है लोगों की, तो यही है, बिल्कुल, तो उनका स्टेटहुड जो है वापस मिले, और इसकी बार बार बात अमित शाह ने कही भी है कि जल्द ऐसा किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है जो अभी जस का तस बना हुआ है। मैं आपके पास आऊंगी जलील साहब और मैं आपसे जानूंगी कि मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, तो जिसके लिए मुझे आई टेंडर माय अपोलॉजीज। ये है कि आपने स्टेटहुड की बात की और इलेक्शन की बात की, इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करा रही है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग नहीं आती तो आई हैव स्ट्रॉन्ग यू नो फीलिंग दैट इलेक्शन भी नहीं होते और भी डिले होते। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है कि ये इलेक्शन दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डेडलाइन डिक्लेयर की थी कि सितंबर के महीने में आपको कराना ही है इलेक्शन, और उसके बाद ही ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं, और इसको लेकर और मेरे बहुत सवाल हैं जलील साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले शुभिंदर मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले अमलिंदु जी आपसे मेरा सवाल कि अब सवाल ये उठ रहा है कि कल ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि सारे इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे, ये शगुफा बार बार छेड़ा जाता है, इसको लेकर कमेटी बनाई जाती है, मीडिया में हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाता है,
फिर कुछ दिन तक मीडिया इसी को ही इधर से उधर लेके घूमता है और बहस चलती है और बातें होती हैं, और फिर कहीं वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर उसके बाद फिर से ये शगुफा जो है वो छेड़ा जाता है। सवाल ये उठ रहा है, आप चार राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और जो रीजंस दिए गए महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, खासतौर पर महाराष्ट्र को लेकर, वो नाकाफी थे, आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं करा पा रहे आप महाराष्ट्र के चुनाव साथ में, तो बता नहीं पा रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं वो कन्विंसिंग ही नहीं है। और बायपोल्स की भी अगर बात कर रहे हैं तो बायपोल्स को लेकर भी जो कहा गया कि अभी साथ में क्यों नहीं करा रहे, वो भी कन्विंसिंग नहीं है। तो क्या ये कहें कि सरकार तैयार नहीं है, डरी हुई है, अभी उसे वक्त चाहिए, इसीलिए वो खानापूर्ति के लिए अभी चाहती है कि हरियाणा और J&K में करा दें और तब तक वो तैयारियां दूसरे राज्यों में अपनी करते रहें। एक तो बुशरा जी, जैसे उपचुनाव के विषय में तर्क दिया गया कि चूंकि जिन राज्यों में उपचुनाव हैं वहाँ बाढ़ का है, अभी वहाँ तैयारियाँ नहीं हो पाई हैं, तो ये तर्क दिया गया, तो बाढ़ तो हरियाणा में भी है। अगर बाढ़ का तर्क है कि उपचुनाव नहीं हो सकते तो हरियाणा में चुनाव कैसे हो जाएंगे? तो अगर हरियाणा में चुनाव हो सकता है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में और बिहार में या राजस्थान में उपचुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में टालमटोल एकदम से की गई। देखिए, जो चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राजीव कुमार जी ने जिस तरीके से बातें की, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर आरोप लगते रहे, विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग, खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, वो एक तरीके से कहा जाए वो सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के घोषणा नहीं की गई, उसमें भी जो उन्होंने तर्क लिए, उसमें भी अब यही सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में आखिर चुनाव की घोषणा क्यों नहीं, और ये सवाल पूछा गया वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा गया। उस पर जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत बेतुका जवाब कहा जा सकता है। वो बता रहे हैं कि होली है, दिवाली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, नवदुर्गा है। अरे भाई, तो क्या पहले नहीं हुए हैं चुनाव इस तरीके से कि दीपावली बीच में पड़ी है और नवदुर्गा बीच में पड़े हैं? क्या तब चुनाव नहीं हुए थे? तो ये नवदुर्गा पहली बार आ रही है और दीपावली पहली बार आ रही है जो चुनाव नहीं होंगे? भाई, जब आपने पिछली बार 26 नवंबर उसकी लास्ट डेट है आपने कराया था, तो अभी आपको उसकी घोषणा करने में क्या दिक्कत थी? बल्कि अब तो जो तर्क दिया गया है वो तर्क ये दिया गया है कि उसको ले जाएंगे अब और आगे, मतलब 26 नवंबर तक भी नहीं कराएंगे बल्कि उसको ले जाएंगे आगे जनवरी तक झारखंड के साथ। ये जो कहा उन्होंने कि 2 राज्यों में करा लिए, फिर 2 राज्यों के हम एक साथ कराएंगे, ये जो बात की, इसका मतलब उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया कि महाराष्ट्र में चुनाव अभी नहीं होगा। असल में मंशा क्या है बुशरा जी इसके पीछे? जो असली मंशा है वो असली मंशा ये है कि जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि विपक्ष इसको लेकर आरोप भी लगाएगा, चूँकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, और लगातार ये विश्लेषण आ रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों जगह एक साथ चुनाव होंगे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उसका सीधा सीधा प्रभाव नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में, और उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, RSS भी सक्रिय हो जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी जी अब आप रुखसत होइए। तो ये एक तरीके से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अगर ये कोई तरकीब है तो ये भी समझा सकता है कि ये तरकीब कुछ हो सकती है, वरना साथ साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये तर्क, मतलब जो तर्क दिए गए, 2 तर्क दिए गए, एक तो ये बहुत सारी ये हैं त्यौहार पड़ेंगे और फोर्सेस की दिक्कत होगी। भाई, एक तरफ आप ही कह रहे हैं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितनी फोर्स की आवश्यकता होगी जम्मू और कश्मीर में तैनात करने की उतनी फोर्सेस दी जाएंगी और आवाम जवाब देने को तैयार है। तो अगर जम्मू कश्मीर को फोर्सेस दी जा सकती हैं जितनी ज़रूरत है और आवाम तैयार है, तो क्या महाराष्ट्र की आवाम तैयार नहीं है जवाब देने के लिए और फोर्सेस के लिए वहाँ कमी हो जाएगी? यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहना क्या चाहते हैं ये समझ से परे है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फोर्सेस की कमी हो जाएगी और फोर्सेस की कमी जो है केवल जम्मू कश्मीर में नहीं होने दी जाएगी? क्या ये कहना चाहते हैं? तो जो भी उनका तर्क रहा वो तर्क जो है वो समझ से परे हैं फिलहाल। अब विपक्ष इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या मांग होती है, ये देखा जाएगा। हालांकि आज ही महाविकास अघाड़ी की रैली हुई है वहाँ महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे उसमें मौजूद थे, बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें भी चर्चा आगे हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा, चलिए झारखंड को तो आप एक बार को रोक सकते थे क्योंकि उनका जनवरी का है और आप फरवरी में दिल्ली का है, तो झारखंड और दिल्ली को आप एक साथ करवा सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव ना कराया जाना और जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और
बिहार में जो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा में, लगभग 10 सीटें तो हैं उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें हैं राजस्थान में और 4 सीटें हैं बिहार में, यानी 20 सीटें ये उपचुनाव की होती, तो इन पे चुनाव ना कराया जाना। भाई आप 1 अक्टूबर को जो हरियाणा का चुनाव करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का आप अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को करा रहे हैं, तो आप उस 1 अक्टूबर को ये चुनाव भी करवा सकते थे। असल में इन उपचुनाव के पीछे भी समस्या यही है कि इसका संदेश भी जो नैरेटिव बनेगा इनके परिणामों का, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनेगा, ये समझ में आ रहा है अभी तक के जो सूरत हालात हैं पॉलिटिकल उसको देखते हुए। तो शायद ये हो सकता है कि किसी तरीके का बाद में प्रधानमंत्री के लिए दिक्कतें पैदा ना हों या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चीज़ें पैदा ना हो, इससे बचाव करने के लिए रास्ता निकाला गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अलग है, चुनाव आयोग अलग है, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है और जो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हो गई हैं तुरंत जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ही हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल कुछ इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो अपनी कोई भी तर्क दे सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी तर्क दे सकते हैं, अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, अपनी मजबूरियां बता सकते हैं कि समय पे चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं या किस वजह से टाले जा रहे हैं। लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उनके जवाब किस तरीके से आएंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को सोचना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो कि इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी तरह की तैयारियां करती है, अपने तरीके से इलेक्शन वो कराती है, लेकिन लगातार हमने देखा है कि इन 10 सालों में इस संस्था ने अपनी साख को खोया है और लोग लगातार और विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। सवाल ये भी उठाता रहा है कि कैसे ये बायस्ड होकर काम करने लगी है इस संस्था। हमने ये भी देखा कि जब विपक्ष की तरफ से शिकायतें दर्ज कराती हैं, कराई जाती हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, उसके बाद, तो उनको किस तरह से ना सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है बल्कि पूरे तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। तो सवाल यही पैदा हो रहा है अभी भी कि ये जो इलेक्शन है वो इस तरह से क्यों कराए जा रहे हैं, क्यों नहीं तमाम राज्यों के इलेक्शन, मान लीजिए कि आप झारखंड के कराना चाहते हैं बाद में, झारखंड में, क्योंकि जनवरी में खत्म हो रहा है वक्त और फरवरी में हम मान सकते हैं कि दिल्ली के साथ, अब इन दोनों को ही आप जोड़ के करना चाहते हैं, तो इस सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र तो पूरी तरीके से तैयार है अभी इलेक्शन के लिए, आप वहां पर उसका वक्त खत्म हो रहा है, वहां पर आप क्यों नहीं करा रहे हैं, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। केपी मलिक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आप तकपाल आपके पास मैं आऊं, उससे पहले शिविंदर, हरियाणा के चुनाव की हम बात करेंगे, अभी से ही रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, अनिल विज का कहना है तैयार हम, कांग्रेस का कहना है हम 2/3 मेजोरिटी से वहां पर जीतने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा अभी लोकसभा के इलेक्शन जो वहां पर संपन्न हुए हैं, 5 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 5 सीटें बीजेपी को, यानी कि हाफ हाफ रहा था वहां पर, और जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हैं वहां, चाहे किसानों के आंदोलन की बात करें, जाटों की नाराजगी हम बात करें, विनेश फोगाट का मामला जिसको लेकर वहां पर पंचायत भी की गई थी, तमाम मामले हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ये तमाम मुद्दे हैं जो बाहर खड़े हैं। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में क्या स्थिति फिलहाल आप देखते हैं, और एक ही चरण में वहां पर चुनाव करा देना, क्या आपको ये ठीक लगता है, क्योंकि छोटा ही स्टेट है, हालांकि वो 2.1 करोड़ के लगभग वहां मतदाता है, 90 सीटें हैं वहां पर, तो एक चरण में वहां पर हो रहा है चुनाव, और उसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी कि दूसरे राज्यों में ना कराना, इसको आप कितना फेयर देखते हैं? जी बुशरा, आपके साथ साथ मेरे दो मित्र बहुत अच्छे यहाँ बैठे हैं, जलील राठौर जी और अमिलेंदु, उनको भी मेरा सलाम, क्योंकि मैं 22 में कश्मीर गया था तो जलील के साथ मैंने थोड़ा घूमा भी था कश्मीर, मैं 17 में भी गया था, 17 और 22 में मुझे फर्क नजर आ रहा था बहुत बड़ा, क्योंकि जब मैं 22 में गया था तो 370 को खत्म करने के बाद की वो माहौल था, लोगों में एक अविश्वास बहुत था, जो जैसे जलील ने कहा कि उनको इलेक्शन से ज्यादा है कि एक तो उनको राज्य का दर्जा दिया जाए, पर मुझे लगता है कि राज्य के दर्जे के साथ साथ 370 की बहाली भी वहां के लोग चाहते हैं, शायद दलील इसको अच्छी तरह महसूस कर सकते होंगे, लेकिन उनका कहना था कि अब हमें, हम तो ऐसी शांति में है जैसे मुर्दा शांति होती है, पाश कहता है कि मुर्दा शांति का भर जाना, वो उस हालत में कश्मीर के लोग हैं, उनकी उनका दिल जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो दिख नहीं रही हमें, एक तो ये चीज है। दूसरा, जो आपने पूछा कि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन करवाई नहीं गई, क्या कारण है, वैसे मैं आपको बताऊं कि 4 सीटें पंजाब की भी हैं बाय इलेक्शन की,
जो खाली हुई हुई है। अब पंजाब में कोई बाढ़ नहीं है, पंजाब में कोई बाढ़ का माहौल नहीं है, तो जहां तक मुझे पता कि पंजाब का भी ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन में यकीन करते हैं और आप बाकी राज्यों में इलेक्शन करवा नहीं रहे, इसका मतलब आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने मुहावरे को चुनते हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन में हमने देख लिया था महाराष्ट्र में क्या हाल होगा इनका। अब आते हैं हरियाणा में, हरियाणा में कहने को तो 10 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें भाजपा ने ली है, 5 सीटें कांग्रेस ने ली है, लेकिन यदि हम इसी आंकड़े को विधानसभा सीटों की रोशनी में देखें तो कांग्रेस की 55 सीटें बनती थी इस लोकसभा में, जो सीटें बनती थी विधानसभा की सीटें बनती थी कांग्रेस की 90 में से 55 बनती थी, तो मतलब 55 में आगे थी मतलब कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब कि फिलहाल कांग्रेस अभी आगे है, बीजेपी को अपनी जो स्थापति विरोध का काफी सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसका 10 साल की सरकार है, उसका विरोध भी है, उसके साथ साथ किसान आंदोलन है, तो इन्होंने जो नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं बुरी तरह से, ये तमाम चीजें एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी, अभी बीजेपी कर रही है कि जाट वर्सेज अदर करने की, अब उनका ध्यान ओबीसी पे है। जैसे आपने देखा कि इलेक्शन जब नजदीक आए तो इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया और मंत्रिमंडल बदल दिया, यही उनकी कहानी गुजरात में होती थी कि गुजरात में अब हमने बचना है तो मुख्यमंत्री बदल दो, भाई वही फार्मूला लागू कर रहे हैं। पर इसमें दिक्कत यह है कि खट्टड़ का इलाका और नए मुख्यमंत्री का इलाका जो है करनाल, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हो रहे हैं, एक तो ये चीज देखने वाली है। दूसरी चीज आप देखिए कि लगातार विरोध किसान आंदोलन, अब किसान आंदोलन के बाद में जो नई चेंज आई है, पहले वहां था कि बीजेपी की कोशिश होती थी जाट वर्सेस अदर, किसान आंदोलन में बहुत जातियां भी जुड़ गई, जो जातियां मतलब मान लीजिए किसानी जाट नहीं थी पर वो खेती करती थी, वो खेती करती थी, वो भी बीजेपी के उल्ट खड़ी होगी। इसी तरह एससी वोट है, जो एससी वोट भी दलित वोट जिसे हम कहेंगे, दलित वोट भी ज्यादातर बीजेपी से टूटा है, उसका शायद बीजेपी को मुझे लगता है कि आने वाले समय में नुकसान होगा। अब बीजेपी की एक ही कोशिश है, एक तो वो जाट वर्सेस ओबीसी करें, वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उसमें कामयाबी कितनी है। यदि हम कांग्रेस को देखें, अभी कांग्रेस आगे दिख रही है, कांग्रेस की 2-3 दिक्कतें रही है, एक तो उनके पास उनका अपना कंट्रडिक्शन होता है, जैसे एक मुहावरा था एसआरके का मुहावरा, उनके 3 नेता थे रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी, किरण चौधरी खैर अब बीजेपी में नहीं है, इन सब में जो मजबूत हमें अभी फिलहाल हुड्डा नजर आते हैं, अब वो उनका जो विरोधाभास है, उन विरोधाभास को कांग्रेस कैसे हैंडल करेगी, वो आगे चलकर हमें देखना होगा। जी जी बिल्कुल, जो गुटबाजी है वो कांग्रेस की भी खुलकर सामने है, उस गुटबाजी से किस तरह से पार पाती है कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अभी हम हरियाणा में देखें तो माहौल हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बहुत फेवरेबल है अभी हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल, अगर वो टिकट वितरण जो है वो अगर कायदे से कर दें, अंदरूनी गुटबाजी जो है अगर उसको खत्म करके या फौरी तौर पर उसको शांत करके आगे अगर उसकी पूरी प्लानिंग की जाए तो ये बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा में लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं सत्ता में परिवर्तन के लिए, और यही हाल हमें महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिल रहा है और इसी तरह का झारखंड में भी है। और झारखंड में तो अभी बीजेपी की सरकार भी नहीं, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को लेकर वहां पर पूरे तौर पर नाराजगी साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। हेमंत सोरेन आप ये देखें कि उनको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद वो जेल से रिहा हुए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल भेज देते हैं, तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें फर्क पूरे तौर पर यह है कि लोकसभा के चुनाव इस बीच हो चुके हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है और इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत है, संसद में सड़क पर वो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है और लोगों को एक उम्मीद उसमें नजर आ रही है। जलील साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन केपी मलिक जी आपका ओपनिंग कमेंट, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में भी हमने देखा कि जाट वर्सेस नॉन जाट करने की
पूरी की पूरी कोशिश की गई, वही विभाजनकारी राजनीति जो बीजेपी हर जगह करती है। हिंदू मुसलमान करो, कुकी मैथी में लड़ाओ, जाट वर्सेस नॉन जाट करो, या जहां पर भी एक समुदाय को दूसरे से लड़ाया जा सके वहां उसकी पूरी कोशिश होती है कि वही किया जा सके। वही राजनीति वो हमेशा करती रही है और उसी से लगता है कि वो सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन अभी हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं इसी राजनीति को करारा झटका लगा है, लोगों ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। अब जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, जातिगत जनगणना का, बराबरी का, सामाजिक न्याय का, इसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये लगातार उठाए जा रहे हैं। किसान राहुल गांधी से मिले भी थे, अग्निवीर जो है वो भी राहुल गांधी से मिले थे, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये सारे मसले जो है तमाम जगह पर कॉमन है, लेकिन हरियाणा में ये सबसे ज्यादा है। एक चरण में चुनाव होने जा रहा है, आप चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, आपको शायद उम्मीद होगी कि वहां पर ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे वो शायद उसकी घोषणा हो, लेकिन वो भी नहीं किए गए और उसके लेके दलीलें जो दी गई हैं वो आपके सामने हैं। आपका ओपनिंग कमेंट बुशरा जी, अगर आप देखें, आपने सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो कोशिश रही है, जैसा कि मेरे से पहले शिवेन जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि जहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है वहां किसी ऐसी जाति को लड़ा दो जो स्ट्रांग दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। पिछले 2-3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उस कोशिश में कामयाब रही है कि जाट और गैर जाट करने में हरियाणा में वो सफल रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल देश में बनाया था कि अब की बार 400 पार, और एक हवा बना हुआ था कि कई लोगों को विश्वास ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है, जो चुनाव के नतीजे होने आने के बाद हमें दिखाई दी, और वो तब इस प्रकार के नतीजे आए कि शाम धाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, सरकार की ओर से किया गया। चुनाव आयोग ने एक पार्टी बन के काम किया, उसके बावजूद इस तरह के खतरनाक नतीजे आना जताता है कि जो स्थिति हम देख रहे हैं स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा खराब है, और ये अभी आम आदमी को पता चल गया है जो लोकसभा चुनाव में पता नहीं चला। ये उसी की पानगी है कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो महाराष्ट्र में इलेक्शन करा ले, क्योंकि महाराष्ट्र में जो इनका लोटस ऑपरेशन चला था उसमें इतना कीचड़ इन्होंने बिखेर दिया था कमल खिलाने के लिए महाराष्ट्र में, कि बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है, और उस कीचड़ को निपटाना, उस कीचड़ को समेटना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तमाम सीटों पर जमानत जब्त होगी महाराष्ट्र में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में भी बहुत खराब है, चाहे आप मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे आप कुछ कर लें, अब ये काट की हंडी भारतीय जनता पार्टी की बार बार नहीं चढ़ेगी। दूसरी बात, अगर हम हरियाणा में देखते हैं, जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस में जो गुटबाजी होती थी, कांग्रेस भी इस बात को समझ गई है, वो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा। अगर गुटबाजी ज्यादा होती तो जितनी अच्छी सीटें कांग्रेस को मिली हैं तो वो नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ चुकी है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी समझ चुका है, और कई लोग ठिकाने खुद लग गए हैं, कई लोगों को उनकी औकात बता दी गई है, जिनकी एक विधानसभा चुनाव लड़के जीतने की औकात नहीं थी वो भी इंटरफेयर करेंगे, तो उनको सबको शीर्ष नेतृत्व तक किनारे लगाने का काम किया है, जिस तरह की मेरी सूचना है। और मुझे लगता है मिश्रा जी, इसमें एक चीज और है, अगर हम देखेंगे जैसा कि अभी अमलिंदु जी ने जिक्र किया था कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में हम देख रहे थे कि कांग्रेस के पास टिकटार्थियों की लाइन बहुत छोटी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो लाइन धीरे धीरे बड़ी लंबी होती जा रही है, जबकि अभी तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं धरातल पे करंट बहुत तेज है। पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बहुत खराब है, और मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस वहां पे है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें हमें यह देखना होगा कि जिस प्रकार से महागठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन है, आम आदमी पार्टी के साथ किस प्रकार से वो तालमेल करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आतिशी का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम अकेले सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या वो वोट कटवा साबित होंगे,
क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, इस पे भी कांग्रेस को विचार करना होगा। अब मैं छोटी सी टिप्पणी बुशरा जी कश्मीर पर करना चाहता हूं। कश्मीर में पिछले 10 साल से जो हालात हैं वो आप भी जानते हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे तमाम आपने नया परिसीमन वहां पे किया हो, बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई हैं, उसके बाद वहां पे चुनाव हो रहे हैं। अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, ये एक बच्चा भी अंदाजा लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कश्मीर में क्या है। भारतीय जनता पार्टी के हक में नतीजे कश्मीर में आना, जबकि मैं कश्मीर बहुत ज्यादा कवर करता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, बाकी जो जर्नलिस्ट यहां बैठे हैं ये कवर करते रहे हैं, जाते भी रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत सफलता जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, लेकिन जो 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है, जो 10 साल की बेरोजगारी है, जो 10 साल से लोग त्रस्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, मुझे उस पर भी थोड़ा संशय है बुशरा जी। दूसरी चीज मैं लास्ट में खत्म करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो ये हुआ है कि सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कराए जाएं और हम जो है 2 राज्यों में उसके बाद कराएंगे, यानी कि फिर वही बात आती है कि महाराष्ट्र में जल्दी इलेक्शन कराने की स्थिति में सरकार और भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में 2 नहीं 3 राज्यों के चुनाव हो जाएं, दिल्ली का हो जाए, झारखंड का हो जाए, महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए, इस बहाने आप महाराष्ट्र को थोड़ा पीछे खींच सकते हैं। दूसरा जी, आपने जिक्र किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री जी अगर कर रहे हैं, तो चाहे वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात करें, चाहे वो जो वो उसकी बात उन्होंने की थी सिविल कोड की बात की थी उन्होंने, चाहे वो ये बात करें यूसीसी की बात की थी, तो वो भी जानते हैं कि इन दोनों मुद्दों पे अभी कुछ नहीं हो सकता है, और वो जाते जाते एक सिगूठा छोड़ के जाना चाहते हैं। उनको पता लग गया है कि अब उनकी विदाई का समय आ गया है, और ये विदाई में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है बुशरा जी। जी बिल्कुल, तो विदाई का बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। जलील साहब, आपसे मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप जम्मू कश्मीर रीजन में कैसी देखते हैं? 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 25 सीटें आई थी बीजेपी के पास, अभी की स्थिति क्या है, क्या हालात वहां पर बदले हैं? डिलिमिटेशन के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फायदा वहां पर हो सकता है? कौन से वो मुद्दे हैं? एक तो है जज्बाती मुद्दे, एक उनके साथ ये एक जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाया है, उनको स्टेटहुड चाहिए, ये मुद्दे हैं। इसके अलावा क्या वहां पर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करने के लिए जाएंगे? लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति वहां पर कैसी देखते हैं फिलहाल? अगर वो पार्टी जो ये हिम्मत ना कर पाई हो कि घाटी में एक भी अपना कैंडिडेट दे सके या किसी को अपना समर्थन भी दे सके, क्या आपको लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन में कुछ करिश्मा वो कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं डिलिमिटेशन की बात करूंगा पहले, कि डिलिमिटेशन का जो मसला था वो नेशनल लेवल पे कई जगहों पे था, और इसके लिए जो तारीख मुकर्रर थी जम्मू कश्मीर को उसको प्रपोन किया गया, और एक लोगों का ये कहना है कि ये खास मकसद के लिए किया गया, और 7 सीटें बढ़ा दी गई टोटल जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से 6 सीटें जम्मू को चली गई और 1 कश्मीर को। जहां तक कश्मीर डिवीजन की बात है, कश्मीर डिवीजन के पास 49 यानी कि 49 सीटें हुआ करती हैं। कश्मीर के पास है रीजन में है 47 और जम्मू के पास है 43। जी जी, लेकिन इससे पहले क्या था कि लद्दाख जो डिवीजन था वो भी कश्मीर के साथ ही गिना जाता था, और उसकी वहां पे 3 सीटें थी, ओबरा, करगिल और लेह। वो तो आप लद्दाख भी अलग हो गया, तो 49 से गिर के जम्मू कश्मीर जो कश्मीर सूबा है वो 46 पे आ गया। जब 1 सीट बढ़ गई कुपवाड़ा की डिलिमिटेशन के बाद तो 47 हो गया। जम्मू डिवीजन की 37 सीट थी, और जम्मू डिवीजन को 6 सीटें दी गई, वो बन गए 43, जिसमें से 3 वहां के डिस्ट्रिक्ट हैं, रियासी, कुठवा और उधमपुर। रियासी, कुठवा, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो जहां पे मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी है, और वहां पे डेफिनेटली फायदा मिलना ही मिलना है भारतीय जनता पार्टी को। और जहां तक कश्मीर की बात है, वहां पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि महबूबा मुफ्ती के लिए एक सेटबैक है, वो ये है कि जो उन्होंने लोगों की मर्जी के खिलाफ उस वक्त बीजेपी के साथ चली गई थी, तो
तो वो गुस्सा अभी तक लोगों में है, जिसका फॉलोआउट ये हुआ कि वो उसको उसके साथ जो अलायंस था वो खत्म किया गया, और उसके बाद से लोगों को बहुत गुस्सा है कि महबूबा मुफ्ती के पास ऑफर्स थी, कांग्रेस की भी ऑफर थी और उसके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ऑफर थी, उन्होंने वो ऑप्ट किया कि मैं बीजेपी के साथ चली जाऊं, और बीजेपी ने बैकस्टैबिंग करके 370 हटा दिया, उनको हटा दिया सीन से, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस की पोजीशन जरा ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी जितना गुस्सा है वो भी लोगों में है, वो देखा आपने कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उमर अब्दुल्ला को हराया, तो इसलिए जो सिचुएशन है वो कैच 22 सिचुएशन है। जम्मू रीजन में एक और बात यह है कि जम्मू रीजन इस वक्त काफी बॉयल पे है एज कंपेयर टू कश्मीर डिवीजन, वहां पे जो हालात हैं बहुत ही खराब हैं। मिलिटेंसी के हवाले से आपने देखा ये दो तीन दिन से जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, कि उसको वो कैसे उस चीज के साथ वो कैसे डील करें। और भी कई मसाइल हैं, तो कहा यही जा सकता है कि कश्मीर डिवीजन में बीजेपी की हालत पतली है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल जीरो है, और जम्मू डिवीजन की जहां तक बात है तो उसमें कहा कुछ नहीं जा सकता कि वहां वोटर कैसे करेगा, तो वो तो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो वोटर की जो ट्रेंड रही हम उसी को ट्रेंड बना के अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जम्मू डिवीजन में। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, इसी में एक सवाल जोड़ना चाह रही हूं मैं जलील साहब, कि इंडिया अलायंस अगर अगर मिलकर वहां पर चुनाव लड़ता है, माना कि पीडीपी अगर साथ में नहीं होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती है, और वहां की कुछ छोटी पार्टियां भी अगर साथ में मिलकर आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज वहां पर जो छोटे छोटे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर और जम्मू में फायदा इंडिया गठबंधन को उस तरह से फिर हो सकता है, क्या इस तरह की कोई उम्मीद है, या आपको लगता है जरूर से बढ़ चुका है जम्मू इस तरफ और कश्मीर इस तरफ? जरूर मिलेगा, कश्मीर डिवीजन में जरूर मिलेगा अगर कांग्रेस और एनसी का अलायंस होता है, जो पिछली बार भी हमने देखा कि उन्होंने मिलके वो इलेक्शन लड़ा, तो उसमें जो जितनी भी छोटी पार्टियां थी, इवन गुलाम नबी आजाद साहब भी हार गए थे, और छोटी पार्टियों की जहां तक आपने बात की, यहाँ पे लोकल सरंडाए किसी छोटी पार्टी को नहीं है, और जितनी भी छोटी पार्टियां उभर के आ गई वो बीच में ही आ गई, वो कोई कहीं नोवेयर से नहीं आई, वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के आई या पीडीपी से निकल के आई, और वो कैसे आई उसके बारे में भी अप्रिहेंशन है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है कि ये बी टीम्स हैं बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी कहा जाए आप जिस तरह भी इसको समझें, कि जैसे कुछ पार्टियां हैं उधर उनको उतना खास वहां पे अहमियत नहीं है, उनकी मान्यता नहीं है एज लोकल पार्टीज, वो किसी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ना उनमें कंसिस्टेंसी रही है जिसकी वजह से उनका जो कैरेक्टर है मशकूक रहा है। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में अगर आपस में वो हाथ मिलाते हैं, महबूबा का तो महबूबा का सवाल ही नहीं है, महबूबा भी वो आप समझिए कि उनकी उनकी भी कोई मतलब वो उमर अब्दुल्ला भी गए थे, एक तो नाराजगी का फैक्टर था, नाराजगी से ज्यादा फैक्टर ये था कि इंजीनियर रशीद को नहीं छोड़ा गया, 2019 अगस्त से वो बंद हैं, और इस तरह सिंपैथीज उनकी तरफ गई, लोगों की जो सिंपैथीज थी, लोग ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि इस बंदे को क्यों बंद रखा गया है, अगर वो कश्मीरी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या कोई ऐसी बात करता है जिसमें कश्मीरी कौम परस्ती होती है, तो आपने उसकी सजा उसको दी, और बाकी लोग सब बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, एक अकेले आदमी को आपने बंद करके रखा है जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में था, तो इसलिए वो लोगों ने भी मतलब उसके जो हामी हंग असेंबली की तरफ, क्या आपको लगता है हंग असेंबली की तरफ जम्मू कश्मीर जा सकता है अभी की स्थिति में, या अभी कुछ कहना आपको मुश्किल लगता है, और अगर ऐसा होता है तो अगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जा सकता है, कांग्रेस के पास या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो फिर भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन अगर हंग असेंबली होती है तो बीजेपी के साथ फिर कौन जा सकता है? फिर अब एक ही तरीका है, ऑपरेशन कमल या हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहेंगे वो हो सकता है, एक ही तरीका है जिससे वो वहां पे मतलब हुकूमत साजी कर सकते हैं, या अगर कोई और पार्टी या अलायंस हुकूमत में आता है उनको तोड़ सकते हैं, बाकी इस वक्त तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात,
जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट और उनके जो इमोशंस वाबस्ता है वो उन चीजों से बहुत नजदीक से वाबस्ता है जिनका किसी न किसी तरह मुसलमानों पे कौमी सतह पे असर पड़ता हो। जैसे यूसीसी है, इससे पहले तीन तलाक का मसला था, अभी वक्फ बोर्ड का था। और वक्फ बोर्ड में आपको मैं एक बात बता चलूं जो शायद आपको आगे भी काम आए आर्ग्यूमेंट के लिए, कि वक्फ की जो बिल आई थी उसमें ये कहा गया था कि खवातीन को इसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। शायद पता नहीं पैनलिस्ट को या आपको पता होगा कि हमारा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसकी चेयरमैन एक औरत है, एक लेडी है, दरक्षेंद्र, शी इज हेडिंग द बोर्ड। तो ये चीजें जरा नजदीक, दिल के नजदीक चीजें हैं। और गिले शिकवों का जो अंबार है वो इतना लग गया है कि उसको निकालते निकालते पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। तो इस हवाले से मेरा यही कहना होगा कि जम्मू कश्मीर को एक हीलिंग टच की जरूरत है। उनके साथ जो उनको लगता है कि हमें जख्म मिले हैं या हमारे साथ कहीं पे धोखा हुआ है या हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, उनको जब तक एड्रेस नहीं किया जाता है तब तक एज अ होल जम्मू कश्मीर की जो मसला है या प्रॉब्लम है या अमन की तरफ जो कयाम, अमन के कयाम के लिए अगर हम सोचने की बात करें, वो तब तक नामुमकिन है। लोग दबे दबे अल्फाज में कहते हैं कि उनको जो 370 की मंसूख की हुई या जिस तरह से स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक बहुत बड़ी रियासत को जो कि रियासत हिंद के साथ इलाहाबाद से पहले एक मुल्क हुआ करता था जी, उसको दो छोटे छोटे छोटी छोटी यूटीज में बांट दिया गया, ये सबसे बड़ी चोट है कश्मीरियों की अना पे। तो इन जैसे मसाइल को जी बिल्कुल, मैं हाल ही में कश्मीर होकर आई थी और मैंने वहां पर देखा कि लोगों के चेहरे पर एक एक मुस्कान तो होती है लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक बहुत एक दर्द का एक ऐसा उबार है जिसको आप अगर कुरेदें तो वो जब तक उनको ये ना लगे कि हाँ वाकई में वो आपको यकीन कर सकते हैं कि जो आपसे कह रहे हैं वो आप तक रहेगा, तब तक वो आपके साथ नहीं खुलते हैं। तो बहुत वक्त लगता है जब आप उनसे बात करें कि वो खुलकर आपसे आपके जवाब दें या आपको आपके सवालों का जवाब दें। तो ये मैंने वहां पर देखा है कि एक अजीब तरह की खामोशी और एक अजीब तरह का सन्नाटा वहां पर जरूर है, जैसे किसी चीज का इंतजार वहां के लोग कर रहे हों। मैं आपके पास लौट रही हूँ जरील साहब, लेकिन शिविंदर ये तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है फिलहाल, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे हम नेशनल देखें या फिर हम राज्यों के मुद्दे देखें, लगभग वो कॉमन है, वो वही मुद्दे हैं, चाहे अग्निवीर के हों, महंगाई के हों, बेरोजगारी के हों। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा बनकर उभर रहे हैं जिसमें लोगों को उम्मीद दिख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी आपको उस स्थिति में नजर आती है लोकसभा चुनाव के बाद इन स्टेट में, जहां वो सबसे बड़े प्लेयर के रूप में आपको दिखती है? मतलब उसका कल्चर हो, उसका कुछ अलग अलग है, कई मुद्दे कॉमन है, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, कई स्टेटों को मुतासर करता है, उसका मुखालफत हमने देखी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जो राज्यों के अलग मुद्दे हैं, उसको उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है, जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, अदर स्टेट्स हो गए हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि यदि किसी पार्टी ने, बीजेपी ने जो 10 साल में एक नफरत की पॉलिटिक्स की है, लड़ाने की पॉलिटिक्स की है, यदि आप उसका मुकाबला सॉफ्ट हिंद मतलब से करोगे या ऐसी बातों से करोगे, नहीं कर सकते। तो उसमें वो खिलाड़ी है, वो जीतेंगे। आपने उसका मुकाबला मुद्दों की सियासत पे करना होगा, आपने उसका मुकाबला जो एक हमारे संविधान में फेडरलिज्म की भावना है, जो आप जैसे कांग्रेस ने अपना इंडिया अलायंस ने कहा था कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात करेंगे, वो करने की जरूरत है। जैसे कश्मीर जैसा राज्य है, कश्मीर में आपको लोगों के दिल जीतने की जरूरत है, सिर्फ यही नहीं, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई जो हम इसको राज्य का दर्जा देंगे। और यहां तक जो धारा 370 को मनसूख किया गया था उसके विरोध में भी आपकी आवाज होनी चाहिए कि हम जब आएंगे तो हम इसको दोबारा बहाल करेंगे, क्योंकि ये वहां के लोगों की एक आत्मा की आवाज है। यदि आप ये लाइन नहीं लेते तो मुझे लगता है कि आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। इसी तरह पंजाब है, पंजाब में फिलहाल इलेक्शन नहीं है, पर मैं बात कर रहा हूँ,
पंजाब में, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात है बहुत बड़ी बात, एक बड़ा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। अब हम हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में भी जो चीजें आ रही है, जैसे कि हमने देखा वहां आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, किसान आंदोलन ने लोगों को आपस में जुड़ना सिखाया है। आपको लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, एड्रेस करने पड़ेंगे, और जो हाशियेग्रस्त लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो दलित है, आपको उनकी धिर बनना पड़ेगा, उनकी धिर बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण है कि जो सत्ताधारी धिर है उनका काम तो लड़ाना है। देखिए शिवेंद्र, क्या आपको लगता है कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई, जिसकी बात अभी भी बार बार उसी दृढ़ता से विपक्ष कर रहा है, या फिर जातिगत जनगणना की बात, अग्निवीर को हम आएंगे खत्म कर देंगे, ये बहुत ही पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी का ये कहना कि हम ये वादा हमने किसानों से किया है कि हम उनकी आय, उनको MSP की कानूनी गारंटी हम उनको देंगे ही देंगे, अग्निवीर को हटना ही होगा, जातिगत जनगणना हम कराएंगे ही कराएंगे, वो जिस दृढ़ता से बात करते हैं और जिन मुद्दों को अभी भी उसी तरह से वो उठा रहे हैं, आपको लगता है कि इन असेंबली इलेक्शन में ये तमाम मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और जो पूरी भूमिका है राहुल गांधी की वो महत्वपूर्ण रहेगी? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, इसमें ये है कि राहुल जहाँ इंडिया अलायंस ने ये मुद्दे उठाए उसका परिणाम भी आया, उनकी सीटें बढ़ी है, लेकिन इसको अब आगे करने की भी बात है कि राहुल तो कर रहा है, लेकिन जो कांग्रेस में वो पुराना कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो बातें मैंने देखा कि राहुल कर रहे थे, वो पंजाब की कांग्रेस से हरियाणा की कांग्रेस नहीं दिखी मुझे करती हुई। अपनी जो कांग्रेस को लोकल लेवल तक भी राहुल गांधी की, जब ये कह लूं मैं सिंपल शब्दों में, जो नेशनल लेवल की कांग्रेस की नेशनल इकाई कर रही है, राज्यों की इकाई को भी सक्षम बनाने की जरूरत है कि भाई ये हमारा प्लान है, ये प्लान हमने लोगों तक लेके जाना है, इसकी जरूरत है मुझे लगता है। उसके लिए आपको ग्राउंड से जुड़ना पड़ेगा। हाल फिलहाल जो वो मुद्दे उठा रहा है वो बिल्कुल सही है, भाजपा को इसी मुद्दों के साथ ही काट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और KP मलिक जी, आपको क्या लग रहा है कि यही तमाम मुद्दे जो हमने लोकसभा इलेक्शन में देखे, जिस दृढ़ता से राहुल गांधी अपनी तमाम बातों को रखते हैं, उठाते हैं, हालांकि वो सरकार में नहीं, वो विपक्ष में है, लेकिन वो बात ऐसे करते हैं इस अथॉरिटी के साथ, लगता है कि अगर वो कह रहे हैं तो कुछ जरूर बदलेंगे। हमने ये भी देखा कि जितने भी मजलूम हैं उनकी आवाज एक तरह से राहुल गांधी बनते हुए नजर आते हैं, वो उन तमाम अनकंफर्टेबल बातों को भी बहुत ही सहजता से कह जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक एंग्री यंग मैन की भूमिका भी वो आजकल निभा रहे हैं। और चाहे पार्लियामेंट में किसानों के एक दल को बुलाना, चाहे सफाई कर्मचारियों को बुलाना, लोको पायलट से मुलाकात करना, वो तमाम चीजें कर रहे हैं। लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वो कंटिन्यूस अभी भी चल रही है। इन तमाम चीजों का आपको लग रहा है कि लोकसभा ही नहीं असेंबली में भी फायदा होने जा रहा है? और इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोनों इंजन जो आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, और दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में, क्या ये आप मुख्य वजह देखते हैं कि 10 सीटों पर जो चुनाव होने थे उनको अभी टाल दिया गया है उपचुनाव? देखिए मिश्रा जी, पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विचार किया था, जो सोचा था कि इस तरह के परिणाम आएंगे, उससे भी बहुत बुरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि इन सीटों, जो 10 सीटें हैं, उनको उपचुनाव करा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज लगता है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव है उसमें से सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अपने पीक पे लड़ा था और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई माहौल नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बढ़िया हवा नहीं कहीं चल रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सीटें हमारे हाथ से जा सकती हैं। जाहिर सी बात है कि आज विपक्षी दल जो है, उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, वो बहुत एग्रेसिव होकर उभरा है। आप चाहे पार्लियामेंट में देखेंगे, चाहे लखनऊ की विधानसभा में देखें, और चाहे ऑल ओवर देखें, जिस प्रकार से अखिलेश और राहुल गांधी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं, वो आपको देखने को मिलता है लोकसभा में। कई कई जगहों पे आपने देखा है कि किस प्रकार से असहज भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम जो है उनके सिपे सालार जो है वो दिखाई देते हैं, स्पीकर और जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हैं
जो सभापति हैं उनकी स्थिति आप देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सब असहज अपने आप को महसूस करते हैं। और एक बार तो आपने स्थिति ये देखी थी कि प्रधानमंत्री को सफाई में खुद खड़ा होना पड़ा था राहुल गांधी के सामने, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज बैकफुट पे है। दूसरी चीज जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि जनता जो शीशा देख रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस शीशे में उनको एक दरार दिखाई दे रही है और उस दरार के पीछे की हकीकत उनको समझ में आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई शिगुफा, कोई जातिवाद, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई दूसरे जो मुद्दे थे, वो सब मुद्दे हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वास्तविक मुद्दे जनता के सामने हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। अब आप युवाओं की बात करते हैं तो आप युवाओं की स्थिति देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में कितना रोजगार आपने दिया, तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं कि हमें महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अगर एक घटना हो गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वेस्ट बंगाल की, और मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा बोल्ड होकर एक निर्णय ममता बनर्जी को भी लेना चाहिए, वो घटना प्रधानमंत्री जी को लाल किले पे याद आ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की घटना याद नहीं आती, प्रधानमंत्री जी को जंतर मंतर की घटना याद नहीं आती जब देश की पहलवान बेटियों को उनके अंतर्गत आने वाली अमित शाह की पुलिस बूटों से कुचल रही थी, तब प्रधानमंत्री जी वो सिंगोल लेके वहां पे जो है नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने में व्यस्त थे, तो तब प्रधानमंत्री जी को महिला सुरक्षा याद नहीं आ रही थी। तो ये जो हकीकत है इस तरह की, ये जनता जान चुकी है। और आज चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे अन्य हो, जहां पे भी सीटें हैं, कोई 4 सीटें आपकी पंजाब में है, 4 सीटें राजस्थान में है, 10 सीटें यूपी में है, कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार सब जगह खराब है। इसीलिए कहीं ना कहीं आरएसएस और संघ आपको इतना चिंतित नजर आता है। और मेरे जो सूत्र बताते हैं, मेरी जो खबरें हैं, अब आरएसएस ने कमांड अपने हाथ में ले ली है। ये वही आरएसएस है कि जिसपे इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तो वही आरएसएस है कि उसने कमान इनके हाथ से ले ली है, और बहुत जल्दी आरएसएस अपने एजेंडे पे काम करेगी जो पुराने आरएसएस के एजेंडे हैं। और वो जो प्रधानमंत्री की स्पीच आपने देखी, उसमें कहीं ना कहीं झलक आरएसएस की आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तमाम मुद्दे आरएसएस के मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरा मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे आरएसएस के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी के मुद्दे कभी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अंत में मैं हरियाणा के चुनाव के बारे में आपको बात कहता हूं कि किसान जिस प्रकार से हरियाणा में परेशान है, बेरोजगार जिस तरह से हरियाणा में परेशान है, जिस तरह से हरियाणा की बेटियों के साथ व्यवहार सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के कारिंदों का रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक लावा पिघल रहा है वहां पे, और वो लावा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव को मैनेज कर सकती है, क्योंकि वहां अकेले कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस का सामना शाम धाम दंड भेद करके कर लेंगे। जैसा कि पहले भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया, मुख्यमंत्री सैनी समाज से आते हैं, अब सैनी समाज किस स्थिति में हरियाणा में है ये सबको पता है। महाराष्ट्र में हिम्मत इलेक्शन कराने की इसलिए नहीं पड़ रही कि महाराष्ट्र में तमाम एंगल पे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, चाहे वो शरद पवार का एंगल हो, चाहे वो जो बाल ठाकरे की राज ठाकरे की शिवसेना है चाहे उसका एंगल हो, और चाहे वहां जनता की सिंपैथी उन लोगों के प्रति हो जिस प्रकार से वहां स्थिति है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि वहां का जो मुस्लिम समाज है आज वो शिवसेना को वोट देना चाहता है, और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो जमीनें हैं, जो नुजूल की जमीनें हैं, या जो आपका ये अभी जमीनों वाला मामला चल रहा है, इसका कोई मामला हो, वो जमीन मुस्लिम समाज की है, वो जमीन लेने का हक किसी को नहीं है। जब इस तरह की बात राजनीतिक लोग करते हैं जिनका विरोध हमेशा रहा है, तो आपको लगना चाहिए कि ये बदलाव की स्थिति है, और इस बदलाव से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कराए जाए। जी बुशरा जी, बिल्कुल
हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि महाराष्ट्र में चुनाव करा सकें, झारखंड में करा सकें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन चार राज्यों में एक साथ चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं, ये स्थिति फिलहाल है। तो कथनी और करनी में फर्क है, हेडलाइंस मैनेजमेंट का सारा खेल है, नए नए शगुफे आप छेड़ें, आप टेस्ट करें, वाटर टेस्ट करें, आप हवा में गुब्बारा उड़ाएं और देखें कि कितनी दूर तक जा रहा है और उसके बाद उसके फैसले करें, ये सब हमने देखा। लेकिन ये सरकार अब 2014 और 19 वाली नहीं 24 वाली है, जो दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, और दोनों बैसाखियां बार बार उनको ये बताती रहती हैं कि जब तक आप हमसे विश्वास में लेकर आप चीजें नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह से आपको हम पर ऐसे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये हमने देखा भी अभी, चाहे वक्फ बिल की बात करें या फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात करें, एक को जेपीसी को भेजना पड़ा है और दूसरा जो है वो मसौदा ही वापस ले लिया गया है, ड्राफ्ट को ही वापस ले लिया गया है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि 56 इंच की आप चाहे बात करें, एक अकेला सब पे भारी की बात करें, लेकिन जो हकीकत है वो पूरी तरीके से सामने है। देखना ये होगा कि जो इलेक्शन अब कंडक्ट कराए जाते हैं उनके नतीजे क्या आते हैं और उसके बाद केंद्र की राजनीति किस तरह से बदलती है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये साफ तौर पर लगता है कि एक साथ दो दो राज्यों की हार शायद बीजेपी पचा ना पाए, या जो केंद्र और राज्यों में या फिर बैसाखियों में जिस तरह का घमासान शुरू हो सकता है उसको दरकिनार करने के लिए और मोदी जी का इकबाल कायम है उसको बरकरार करने के लिए ये इलेक्शन इस तरह से तोड़ तोड़ कर कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, जलील साहब आपका, शिविंदर आपका और केपी मलिक जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।